This conference will now be recorded. The following is the summarized trial balance of Fortune Trader for the year ended to 30th June 2016. ये summarized trial balance की जिस जगह explanation की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको explain करूँगा, उससे पहले अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है आपके पास बिल्डिंग की कॉस्ट बताई हुई है, हमारा ईयर एंड 30th जून है, ओके। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको 1 जुलाई 2015 तक की गिवन है, इसका मतलब है साल के शुरू तक, इस साल की डेप्रिसिएशन इसके अंदर नहीं है क्योंकि 1 जुलाई 2015 इस साल का स्टार्ट है। फिर प्लांट एंड मशीनरी है, उसकी कॉस्ट है। स्टॉक एंड ट्रेड बता दिया, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न, कैपिटल, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, 12% लोन पेबल। आज की सबसे बड़ी एडजस्टमेंट यही होगी, 12% लोन। फिर ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस एंड टोटल, सारी चीजें ऑलमोस्ट जो गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर आप इनके बारे में जानते हो। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि एफटी डेप्रिशिएट्स इट्स फिक्स्ड एसेट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ एडिशन, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे चार्ज नहीं करनी, डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे चार्ज नहीं करनी बल्कि WDV पे चार्ज करनी है। तो हम कर लेते हैं, साथ साथ काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्डिंग का 5% है और प्लांट का 10% है, ठीक है। तो यहां पे क्या करेंगे आप, जब बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन लेंगे तो 3700 में से 1436 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा WDV, उसके ऊपर 5% चार्ज करेंगे। तो अगर कोई कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर रहा है, साथ कैलकुलेटर लेकर बैठा है, तो मुझे बताया जरा 37 का 1436 करे जरा सर, 3628 परसेंटेज देखे किया सर, 3628 नहीं मेरे भाई, 37 नहीं, आप पहले इसको माइनस करें, WDV क्या आ रही है, 2264 मल्टीप्लाइड बाय 5%, सर 113 इसका 5% क्या आ रहा है, 113 सर यही आ रहा है, 113.2 आएगा। पॉइंट को भी छोड़ते हैं, ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। अब इस डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे, एक तो इसको जाकर लिखेंगे एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है, और दूसरा इसको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड कर देंगे, मतलब दूसरे लफ्जों में ये डेप्रिसिएशन भी 3700 से माइनस होगी और जो 1436 पहले पड़ा हुआ है वो भी माइनस होगा और ये एक्सपेंस में भी जाएगा। ये बात सबको क्लियर है ना, इस पर तो आप ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। दूसरा है 6650 माइनस करेंगे 2414, करो जरा इसको 6650 में से 2414 माइनस करो जरा, कितना आता है सर, 4236 4236 का 10% लेंगे और वो हमारे पास आ जाएगा 424 काउंट ऑफ करके। अब ये 424 एक तो लिखेंगे एक्सपेंस के अंदर डेप्रिसिएशन के नाम से, दूसरा ये इस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड भी हो जाएगी और फिर माइनस होगी। लो जनाब, डेप्रिसिएशन वाला मामला कंप्लीट हो गया। क्या करना है, अगर होता ना कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन तो 3700 और 6650 पर अप्लाई कर देते और उसके इफेक्ट वही आते
एक्सपेंस में और अक्यूमुलेटेड एब्शन में ऐड हो जाता। लेकिन अब क्या करना है, क्योंकि WDV पर है तो अक्यूमुलेटेड एब्शन माइनस करके फिर रेट अप्लाई किया, तो डेप्शन में भी प्लस कर दिया और एक्सपेंस में भी लिखेंगे। चलो जनाब, ये हमारी पहली एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। दूसरी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 1560, क्योंकि 000 में तो सारा सवाल है तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग 35,000 returned by a customer on 30th June 16, but not yet accounted for. कहता लेकिन हमने इसको अकाउंट फॉर नहीं किया, लिखा नहीं है, चीजें सेल्स रिटर्न हुई हैं। कहते हैं दीज गुड्स वर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 40%। दोबारा देखें, कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री 1560 की है, इसके अंदर एक कस्टमर ने चीजें वापस की हैं, हम स्टॉक में लिख ली हैं, लेकिन उसको उसकी एंट्री पास नहीं की। मतलब सेल्स रिटर्न हुई हैं, हमने उसकी एंट्री पास नहीं की। कोई बता सकता है सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न की एंट्री सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, बट 35 से नहीं होगी क्योंकि ये तो कॉस्ट है। जब सेल रिटर्न की एंट्री पास होगी तो सेल की वैल्यू से होगी, तो जनाब कॉस्ट प्लस 40% है तो 30 सीपीएस आप बना लो, कॉस्ट को 100 रखोगे, प्रॉफिट को 40 रखोगे और ये हो जाएगा 140। तो 3500 को 100 पे डिवाइड करेंगे, 140 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 को, क्योंकि जीरो निकाल दो, 35 को 100 पे डिवाइड करेंगे, 140 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सेल रिटर्न की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये उसने उसकी कॉस्ट बताई है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी को ही माइनस कर देते हैं। तो बताएं जरा इसको माइनस करके कितनी वैल्यू आ रही है, सॉरी 100 में डिवाइड करो 140 से मल्टीप्लाई करो, कितनी वैल्यू आ रही है सर? 49। तो 49 क्या क्या करेंगे, 49 का डेटर से भी माइनस करेंगे क्योंकि डेटर क्रेडिट हो रहे हैं, और सेल से भी माइनस होगा या सेल रिटर्न में प्लस हो जाएगा। मजीद सेल रिटर्न पहले 90 की है और मजीद 49 की और हैं जो रिकॉर्ड नहीं की हुई। दोबारा देखिएगा कि उसने कहा है कि 35 की सेल्स रिटर्न हुई है लेकिन रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन ये उसकी कॉस्ट है, तो सेल रिटर्न को तो सेल वैल्यू पे लिखते होते हैं। हमने पहले उसकी सेल रिटर्न की सेल फाइंड की और उस 49 को सेल रिटर्न में भी लिख देंगे और डेटर से भी माइनस कर देंगे। ये हमारी दूसरी एडजस्टमेंट हो गई। तीसरी एडजस्टमेंट पे आ जाए, एडजस्टमेंट नंबर 3। चलें एडजस्टमेंट नंबर 3 हमारे पास है, क्लोजिंग इन्वेंटरी में प्लस नहीं करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री में इंक्लूड है, दिस इंक्लूड, ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री में इंक्लूड है, दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है, ना होती तो करते, जरूर करते। लो जी आज की फेवरेट एंट्री और सबसे बड़ी एंट्री, फर्स्ट जनवरी 2016 को हमने लोन लिया। The principal amount is repayable in the 8 equal half yearly installment. 8 बराबर किस्तों में वापस पे करना है। Commencing from 1st January 2017. पहली किस्त 1st January 2017 को, फिर 1st July 2017 को, मतलब हर 6-6 महीने बाद। क्या लिखा हुआ है? 8 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट,
एट इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी साल में दो किस्तें। अगली भी इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ईच ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ऐसे छोटी चीज नहीं है, दोबारा देखें, दोबारा बार बार। जी, लोन लिया कब? 1 जनवरी को, ठीक है, और वापस पे कब करना है? 8 बराबर किस्तों में। पहली किस्त 1 जनवरी को देनी है, पहली किस्त 1 जनवरी 2017 को देनी है, और इंटरेस्ट कब कब देना है? 1 जनवरी को, 1 जुलाई को। जरा ध्यान से, सबसे पहले आप इसकी किस्तें बनाएं। जरा लोन हमारा कितना है, लोन हमारा कितना है? ये लोन है हमारा 12% के ऊपर। लोन कितना है? 12% के ऊपर। आओ जरा ध्यान से, 5,000 का 12% लूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा 6/12 पे, क्योंकि आज से 6 महीने लोन पहले लिया है, 30 जून हमारे ईयर एंड है, और लोन लिया है 1/1/16 को। तो इस साल के 6 महीने का इंटरेस्ट कितना बनता है? 5,000 का 12% मल्टीप्लाई बाय 6/12। जी, सर 300। ये 300 मुझे कोई बता सकता है? इस अंग्रेजी को पढ़ के, आखिरी लाइन को पढ़ के, इस आखिरी लाइन को पढ़ के, कि ये जो इंटरेस्ट है मैंने पे कर दिया है या अभी पे करना है? ये जो 300 का इंटरेस्ट बनता है, मैंने पे कर दिया है या अभी पे करना है? हमारा ईयर एंड 30 जून है, जी अभी पे करना है। गुड, जिस बंदे ने जवाब दिया है ना, देखें, 1 जुलाई को पे करना था और हमारा साल एंड हो गया 30 जून को, हमारा साल एंड हो गया 30 जून को। अभी 300 का इंटरेस्ट बन तो गया लेकिन अभी तक पे नहीं किया, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी भला? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। 300 अदर एक्सपेंस में जाएगा, 300 लाइबिलिटी में जाकर प्लस हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी में। ये 300 का इंटरेस्ट एक तो अदर एक्सपेंस में जाएगा, दूसरा करंट लाइबिलिटी में जाएगा। बात अभी खत्म नहीं हुई, अगली बात सुनेगा। 5,000 की बराबर किस्तें करें 8, बताओ कितनी एक किस्त आती है? 5,000 को 8 पे डिवाइड छह सौ करें, पच्चीस सर 625। लो मेरे भाई, जब आपका 30 जून एंड होगा ना, तो हर साल दो किस्तें आपने, हर साल के अंदर दो किस्तें पे करनी है और अगले साल से शुरू कर देनी है। वैसे मैं, मुझे एक एतराज है आई कैप के सोल्यूशन से हट के, कि आई कैप ने क्या किया है? वो कहता है अगले दो किस्तें पे करनी है ना अगले साल, तो दो किस्तें कितनी हो जाएंगी? 625 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1250। वो कहते हैं जो अगले 12 महीनों में किस्त पेबल हो ना, उसको करंट लाइबिलिटी में लिखा करें, क्योंकि 12 महीनों की लिमिट है ना करंट लाइबिलिटी की, और बाकी जो 3750 होगा वो नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखना। बात नहीं समझ रहे हो? 5,000 लोन लिखेंगे, लिखेंगे सारा ही, पर जो अगले 12 महीनों की दो किस्तें होंगी वो करंट लाइबिलिटी में, जो बाकी होगा वो नॉन करंट लाइबिलिटी में, क्योंकि जो डेफिनेशन है वो यही है कि जो 12 महीनों में पेएबल होते हैं वो करंट लाइबिलिटी में जाते हैं। ये आई कैप का सोल्यूशन है। मैं कहता हूं क्योंकि पहली किस्त देनी है 1 जनवरी को और उससे अगली देंगे 1 जुलाई को, तो फिर नहीं आनी चाहिए करंट में,
डेकन आई के आपने हर सालाना दो किस्तों को कंसीडर किया है, तो आप जरिया देखिएगा, मैं अब इसको सम अप करने लगा हूं इस पूरी एडजस्टमेंट को। देखें 5000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ये 300 एक इंटरेस्ट एक्सपेंस में जाएगा फाइनेंस कॉस्ट के नाम से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे, और दूसरा ये 300 इंटरेस्ट पेबल में भी जाएगा करंट लायबिलिटी में, ये चला जाएगा एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा, ये चला जाएगा करंट लायबिलिटी में। फिर अगली बात, ये एक फेज है, 5000 को 8 पे डिवाइड करेंगे 625 आएगा, उसकी दो किस्तें अगले साल पेएबल हैं, तो 1250 करंट लायबिलिटी में जाएगा किस नाम से, करंट मैच्योरिटी लोन के नाम से, करंट लोन के नाम से, और 3750 नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा लोन के नाम से। तो इस तरह से 5000 की भी प्रेजेंटेशन चेंज करनी है, और इंटरेस्ट जो पेएबल है, आप सोच रहे होंगे कि सर सारा इंटरेस्ट ही पेएबल है, क्योंकि पहला इंटरेस्ट जो पे होना है वो 30 जून के बाद होना है, इसलिए पूरे 6 महीने का पेएबल लिख दिया। लो जी, आज की सबसे गोल्डन एडजस्टमेंट यही थी। सर एक कोई डिस्कशन है, डिबेट है तो कर ले, कोई बात इसके ऊपर करनी है मजीद तो कर सकते हैं हम। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है सर। ये 1250 क्यों लिखा लादा है? 1250 इसलिए अलग लिखा है कि जो अगले 12 महीनों में जो अब करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन बताएं क्या होती है, ऐसी लायबिलिटी जो विद इन 12 मंथ सेटल करनी हो। यहां पर आप देखिएगा, आपको अंदाजा होगा, वो कहता है प्रिंसिपल कहता है लोन को, लोन की अमाउंट इज रीपेबल इन 8 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने बाद 8 बराबर किस्तें, तो 5000 की बराबर किस्तें की, हर किस्त बनी 625 की, तो साल की किस्तें कितनी बनेगी, दो किस्तें। तो कहते हैं आपने ना अगले 30 जून का आपका ईयर एंड है, तो जैसे ईयर एंड होगा आपने एक किस्त 2017 में पे करनी है। ठीक है, और दूसरी किस्त 6 महीने बाद आ जाएगी। कहते तो अगले साल के अंदर ना आप 12 महीनों के अंदर अंदर आपकी दो किस्तें आ रही हैं पे करने के लिए, तो वो जो 12 महीनों के अंदर पेबल होता है चीज वो करंट लायबिलिटी होता है, और बाकी की जो किस्तें हैं वो अगले सालों में जाएंगी, तो इसलिए वो नॉन करंट लायबिलिटी हो गई। इसको हमने सप्लिट करके लिखा। हाँ जी जनाब, अगली एडजस्टमेंट में, अगली एडजस्टमेंट आसान सी है, ये पुरानी एडजस्टमेंट है जी। कहते हैं सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस इंक्लूड, क्या इंक्लूड है, फायर इंश्योरेंस 430, ये रिपीटेड एडजस्टमेंट है, ये पहले की हुई है, एंड 240 पेड फॉर ऑफिस एंड पर्सनल, और पॉलिसी कहां तक जा रही है, दिसंबर 2016, हमारा ईयर एंड है 30 जून, ये रिपीटेड एडजस्टमेंट है। क्या करेंगे, जो ऑफिस की है उसमें 6 महीनों की एडवांस है, 430 में 6 महीनों का एडवांस निकाल लेंगे, ये 12 महीनों की है, 6 महीनों की बनेगी 215, इस 430 के अंदर 215 प्रीपेड है इंश्योरेंस। ठीक है, और ये जो 240 है ये तो है ही सारी ड्रॉइंग्स, और ये किसके अंदर शामिल है, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस के अंदर। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो प्रीपेड है वो भी माइनस कर देंगे, वो लिख देंगे करंट एसेट के अंदर, और जो ड्राइंग्स हैं वो भी माइनस कर देंगे और वो लिखेंगे ड्राइंग्स के अंदर जाकर, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के अंदर, ये आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें माइनस करेंगे 1215 और इसको करंट एसेट में जाकर लिख देंगे प्रीपेड के नाम से, और इसमें से 400 कितना बन रहा है, 240,
240 सारा माइनस करेंगे और इसको जाकर लिखेंगे ड्राइंग्स के अंदर, खत्म होगी एडजस्टमेंट। क्या करेंगे, 215 प्रीपेड है क्योंकि हमारा ईयर एंड है 30 जून और इंश्योरेंस जा रही है 31 दिसंबर तक, 6 महीने एडवांस। ओके, और 240 वो चाहे जब कर की मर्जी हो, जो पर्सनल होती है ना, वो सारी की सारी ड्राइंग्स होती हैं। उसमें ये नहीं देखते होते कि इसमें क्या चीजें ठीक है क्या चीजें गलत है। बी में आ जाएं, वो कहते हैं सेलिंग एक्सपेंस के अंदर रेंट और सैलरी 137 और 89 रिस्पेक्टिवली आर टू बी अक्रूड। अक्रूड का मतलब क्या होता है, अकर बट नॉट पेड, अकर बट नॉट पेड। क्या करेंगे इसका, तो कहते हैं रेंट एंड सैलरी अमाउंटिंग 137 एंड 89 रिस्पेक्टिवली आर टू बी अक्रूड, तो क्या करेंगे, सर, अक्रूड इसमें ऐड कर एक्सपेंस में दो, लिख देंगे और करंट करंट दोनों लाइबिलिटी में। ही 137 और 89, 137 और 89 इसमें प्लस कर देंगे और इन दोनों को करंट लायबिलिटी में भी लिखेंगे, इन दोनों को करंट लायबिलिटी में भी लिखेंगे। जाओ मेरे भाई, लास्ट एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 80, और वो कहता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिड्यूस्ड बाय 30, तो क्या कर ले, आपके पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ब्रॉड ऑन है, वन एटी कहता है रिड्यूस्ड बाय 30, तो क्या मतलब होगा, कहता है 30 से कम कर दो, 180 पहले था, कहता है प्रोविजन 30 से कम कर दो, क्लोज करेंगे बैड डेट्स के नाम से, अदर इनकम में आ जाएगा ये, क्योंकि और तो कोई बैड डेट्स है नहीं, तो बैड डेट्स को या तो अदर इनकम में लिख दें, या वो जो सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस बताए हुए हैं उनमें से माइनस कर दें, क्योंकि ये इनकम है एक्सपेंस नहीं है। क्या किया जा सकता है, या तो इसको अदर इनकम में लिख दें या एक्सपेंसेस में से माइनस कर दें, रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि प्रोविजन कम हो रही है, जब प्रोविजन कम होती है तो हमारी इनकम होती है, प्रोविजन बढ़े तो एक्सपेंस, प्रोविजन कम हो तो इनकम। अब जरा गौर फरमाइएगा, जब आप डेटर्स की अमाउंट लिखेंगे ना, डेटर्स की अमाउंट में 150 माइनस कर देंगे, इसमें 49 तो पहले माइनस किया हुआ है ना, वो आपने वो शेयर रिटर्न वाला, और 150 मजीद माइनस करके लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। ठीक होगी बात जनाब, चलें जी, ये सवाल हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, इसका सलूशन मैं आपका शेयर करवा दूंगा, लेकिन पहले आप इसको ऐसे करें, इसका सलूशन आपको मिल जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर ये था 4, आज क्योंकि आप लोग थके हुए हो इसलिए आप लोगों को मुश्किल सवाल नहीं करवा रहे, मुश्किल सवाल इंशाल्लाह कल करेंगे, दो बड़े अच्छे सवाल करेंगे। यहां पर आए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आसान सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सर, ये जो चौथी है, चौथे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाली है जी, सर, इसमें जो वो पर्सनल यूज के लिए ले रहा है 240, वो ड्राइंग वहां से माइनस करके ड्राइंग्स में लिख देंगे। तो वो नहीं एडवांस होगी फिर? नहीं, ड्राइंग्स कभी एडवांस नहीं होती, ड्राइंग्स ड्राइंग्स ही होती हैं, चाहे एडवांस हो ना हो, जो मर्जी हो, ड्राइंग्स ड्राइंग्स होती हैं, वो पूरी की पूरी ड्राइंग्स लेंगे, क्योंकि वो बिजनेस का पर्पस नहीं होता ना। हाँ जी, बिस्मिल्लाह करें फिर, हिम्मत करनी है मेरे भाई, हिम्मत हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। हाँ जी, फिक्स्ड एसेट्स, उनकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैपिटल,
उसके बाद ड्राइंग्स। अच्छा ये प्लस का लेना कि ये जीरो यहां पर क्यों लिखा हुआ है। ट्रेड पेबल, अक्रूवल एंड अदर पेबल, सेल्स, रिटर्न इनवर्ड, परचेज, वेजेस, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट डेबिट साइड पर लिखा हुआ है तो ये डिस्काउंट अलाउड है, सेल में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड पर है ना तो सेल में से माइनस हो जाएगा। यूटिलिटी चार्जेस, कैरेज इनवर्ड, ये कैरेज इनवर्ड है, कॉस्ट ऑफ सेल में आ जाएगा। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस और मिसलिनियस इनकम, सारी बातें आपको पता है अच्छी तरह से। आओ जी सवाल फिर हल कर लेते हैं। आसान सा सवाल है, बिल्कुल सीधा साधा सा, सिर्फ पहली एडजस्टमेंट थोड़ी सी अच्छी है, बाकी सारा सवाल आसान है। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 9,000, हाउएवर गुड्स रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर 30 जून वर रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ काउंट। काउंट का मतलब है कि हम गिन चुके थे, स्टॉक काउंट कर चुके थे, हमें वो बाद में मिली चीजें, नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, और वो इन्वेंट्री के अंदर शामिल भी नहीं है। दीज गुड्स हैड बीन सोल्ड 400, हमने उसको 400 का बेचा था कॉस्ट प्लस 25% पे। अब जो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऐड होगा क्या वो 400 से होगा? ये तो उसकी सेल वैल्यू है, 400 क्या है उसकी सेल वैल्यू है, 25% उसके ऊपर प्रॉफिट है। हाउएवर द गुड्स आर डैमेज्ड, और चीजें डैमेज भी थी और वो रिपेयर के बाद बिकेंगी, तो जरा सामने आओ ना मेरे सारे लोग, इधर देखें मेरी तरफ, मुझे एक बात बताएं कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक के अंदर लिखेंगे, कॉस्ट वैल्यू पे लिखेंगे, सेल वैल्यू पे लिखेंगे, या लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे लिखेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो पहले तो एक सेल की एंट्री पास करो, ये आप अपनी एडजस्टमेंट यहां पर मैं लिख देता हूं। पहली सेल रिटर्न की एंट्री, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 400 से, ठीक है, सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 400 से। दूसरा, 400 हमारे पास 100% है, सॉरी सीपीएस है ना, हमारे पास कॉस्ट प्लस 25% है, 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125, तो 400 को वन सेल की वैल्यू को सेल पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करो, जरा कितना आंसर आ रहा है? 320 330 बीस 20। अब देखो कॉस्ट 320 है और एनआरवी भी देख लो, एनआरवी कितनी है भला? 400 सेल वैल्यू, 90 रुपए रिपेयर कॉस्ट। तो एनआरवी की डेफिनेशन यही होती है ना, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस, 90 रुपया खर्चा आएगा, 400 रुपए की सेल वैल्यू उसकी है तो एनआरवी 310 है। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक में 320 से ऐड करो या 310 से ऐड करोगे? 310 310 से ऐड करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। लो मेरे भाई जरा गौर फरमाए, पहले तो सेल रिटर्न लिखेंगे ना, ये है सेल रिटर्न, इसके अंदर 400 से ऐड कर देंगे क्योंकि सेल रिटर्न बढ़ गई है, और आपका अकाउंट रिसीवेबल किधर अवेलेबल है इसमें से 400 माइनस कर देंगे क्योंकि सेल रिटर्न हुई है, डेटर कम हो गए। फिर दूसरा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जाकर प्लस कर देंगे 310, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 9,310 का, पूरी होगी एडजस्टमेंट आपकी। सेल से माइनस किया, डेटर से माइनस किया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर शामिल नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी ऐड कर दिया, ठीक होगी बात। प्रोविजन 5% है, ये कर लेते हैं अभी, प्रोविजन
प्रोविजन 5% है, देखिएगा जरा, ये आपके पास प्रोविजन पड़ गया 750 ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन कितना आ गया 11,100, मतलब 400 माइनस करने के बाद मल्टीप्लाइड रहा है, कितनी परसेंटेज है 5%। लो जा रहा है इसका 5% कितना आ रहा है 3555। प्रोविजन कम हुई है ज्यादा, सात सौ पचास से 555 कम हुई है ज्यादा, कितनी कम हुई है ये बताएं, कितनी कम हुई है, डिफरेंस बताएं, दो सौ पांच तो डिफरेंस बताओ यार, क्या कर रहे हो 195 से 195, ये हमारे लिए एक्सपेंस है या अदर इनकम है, ये हमारे लिए इनकम होगी या एक्सपेंस होगा, इनकम इनकम सर, अदर इनकम जी, इनकम ये चला जाएगा अदर इनकम में, ये हमारा चला जाएगा अदर इनकम में, ठीक होगी बात, चलो जी। और ये 555 भी डेटर में से जाकर माइनस हो जाएगा, ये 555 भी जाकर डेटर में से चलें जी, आगे चलें, अगला काम आसान है, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस टोटल 110 इन जून 17 रिलेटेड टू इनवॉइस रिसीव्ड एंड अकाउंटेड फॉर, इनकर जून में हो गए थे, इनकर जून में हो गए थे, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस हो गए थे, इसका 110 स्क्रीन नहीं शो रही सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही, चलो आवाज नहीं आ रही, आवाज अब आ रही है जी सर, चले जी, सिंपल करेंगे इसका 20% लेंगे, जो अदर एक्सपेंस में भी लिख देना और कर देना, ठीक होगी जनाब, आज के पास ये दो सवाल है, ये तो छोटा सा सवाल है, ये आपने तो इस तरह से हमारे टोटल 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और एक बार बार करने बार बार चैलेंज ना, अब आप आराम